है लो लर्नर्स आई होप यू ऑल आर डूंगो ऑनसेंट जजमेंट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं एम पी एडीपीओ रैपिड रिविजन बैच जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है फ्रॉम सेप्टेंबर 15 और 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ एंड यूपी प्रिलिम्स क्रैश कोर्स बैच तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्सेज आपको काफी हेल्प कर सकते हैं अब आते हैं आज के शॉर्ट वीडियो पे इस रीसेंट जजमेंट पे ये पार्टीज के नाम शायद आपने ना सुने हो लेकिन इस मूवी का नाम आपने जरूर सुना होगा गंगू बाय कावाड़ी स्टूडेंट्स किसी भी केस लॉ को समझने के लिए चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट वन द फैक्ट्स ऑफ द केस सेकंड वन दूस द केस fourth वन the एंड तो हम इस पूरी जजमेंट को चार एस्पेक्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे द फर्स्ट वन द फैक्ट्स ऑफ द केस तो एस हुसैन जैदी साहब ने एक बुक लिखी बुक का नाम था माफिया क्वींस ऑफ मुंबई कैची नेम और इसी बुक के ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी अब इस मूवी पर आपत्ति आई श्री बाबूजी रावजी शाह को जो कि बेसिकली एडॉप्टिव सन है ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी तो ये थे इनके फैक्ट्स ऑफ द केस अब आते हैं कि इस पूरे केस में इशू क्या अराइज हुआ इशू ये अराइज हुआ कि इन्होंने डिफॉर्मेशन के लिए जो है इनके ऊपर केस किया और यहां पर इंजंक्शन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इस पूरी की पूरी मूवी को स्टॉप कर दिया जाए और इस मूवी को किसी भी सिनेमा हॉल्स में ना दिखाया जाए क्योंकि यह डिफॉर्मेशन कॉज करती है तो बेसिकली यहां पे दो इश्यूज अराइज हुए कि क्या आपको इंजंक्शन मिल सकती है इस पॉइंट पर या नहीं मिल सकती है और इंजंक्शन किस बेसिस पे चाहिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन अब आते हैं जजमेंट जब आप इसकी जजमेंट पढ़ोगे तो जिस तरीके से बॉम्बे कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था इंजंक्शन देने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है थ्रू एसएलपी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसे रिजेक्ट कर देता है अब आते हैं व्हाट आर द रीजंस द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ ए जजमेंट क्यों मना कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां एक टर्म यूज की कि मेयर हर्टिंग ऑफ सेंसिबिलिटी इज नॉट डिफॉर्मेशन इफ द पर्सन सेट टू बी डिफेम्ड इज नॉट लोअर्ड इन करेक्टर और क्रेडिट इन द आईज़ ऑफ लॉ जब आप डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉक्स में या आईपीसी में अंडर सेक्शन 499 तो आप पढ़ते हैं कि डिफॉर्मेशन मीन्स बेसिकली द कीवर्ड देयर इज रेपुटेशन कि किसी की रेपुटेशन वहां पे खराब हो रही है तो यहां पे इट इज जस्ट अ मेयर हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट और ये किसी भी तरीके से डिफॉर्मेशन कॉज नहीं करता और इसीलिए यहां पर ये जजमेंट दी गई सो दैट वॉज अ रीजेंट जजमेंट अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जजमेंट आपको कैसे हेल्प कर सकती है सो इफ यू आर राइटिंग एन आंसर फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉट्स जिसमें आप डिफॉर्मेशन के रिलेटेड बात कर रहे हो तो यह ट्वेंटी आपको हेल्प कर सकती है इवन इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन आई पी सी इन देंस एग्जामिनेशन ऑन डिफॉर्मेशन स्टिल यू कैन राइट दिस आंसर सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन पीस